अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अतीक अहमद, योर कंप्यूटर कोर्स इंस्ट्रक्टर। तो बेटा, क्लास मैट्रिक कंप्यूटर पे बात चल रही थी, जिस पर हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग कंटिन्यू। इस चैप्टर में, आज की क्लास में, हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये सब हम आपको ओवरव्यू में बता देते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आप कंप्लीट लेक्चर को देखें। तो स्टूडेंट, अगर हम आज की क्लास का ओवरव्यू लें, तो हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है डेटा स्ट्रक्चर, जो कि एक बहुत ही मेन टॉपिक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। डेटा स्ट्रक्चर में हम लीनियर, जो इसकी हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स हैं डेटा स्ट्रक्चर की, एक हमारे पास है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक हमारे पास है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सही है, तो इस लेक्चर में हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है बच्चों? तो इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यूज देखेंगे, और एमसीक्यूज के अलावा हम इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लाजमी आपने देखना है, लाजमी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन आपके पास आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में कौन से पॉइंट मैंने इंक्लूड करें, आइए देखें। अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर टू यूज इट इफेक्टिवली। स्टूडेंट, डेटा स्ट्रक्चर आपके पास एक बहुत ही खास तरीका होता है, जिसमें आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखते हो, ताकि ये हमारे लिए इफेक्टिवली हो सके। सर, इसकी एग्जाम्पल देना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप अपने घर की ग्रोसरी का सामान लेकर आए, आपको अपने घर का सामान जो है वो किचन में रखना है। तो स्टूडेंट, आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि किचन का जो सारा सामान है वो आप एक ही शेल्फ में रख दो, नहीं, बल्कि आप उसको क्या करोगे, ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज करके रखोगे। मिसाल के तौर पे आपने एक जगह शुगर रखनी है तो वो शुगर की शेल्फ पर रखोगे, सही है। आपने एक जगह जो है वो दाल रखनी है तो वो दाल के शेल्फ पर रखोगे। आप कभी भी पूरा सामान एक ही शेल्फ में इंक्लूड नहीं करो। उसका रीजन क्या है स्टूडेंट, कि अगर बाद में अगर हमें उसको फाइंड करना हो, उसको निकालना हो, तो हम आसानी से उसको फाइंड कर सकें। सेम एज इट इज, डेटा स्ट्रक्चर का भी पर्पज यही है कि आप डेटा को इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखें कि बाद में जब आप डेटा को फाइंड करें, आप आसानी से एक्सेस कर सकें, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर का मेन मकसद है कि डेटा मस्ट बी इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। डेटा हमेशा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ताकि बाद में जब आप उसे यूज करो, उसे फाइंड करो, तो आसानी से आपके लिए एक्सेसिबल हो। अब हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स में एरे डेटा स्ट्रक्चर आ सकता है। एरे डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ आइटम्स हैविंग द सेम डेटा टाइप। अब यहाँ पे डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर की टाइप्स आएंगी आगे आगे, मैं आपको जरा समझाता हूँ वन बाय वन। पहले मैं आपको मेन टॉपिक की क्लासिफिकेशन बता देता हूँ कि हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें दो मेन कैटेगरी कौन सी है। अगर दो मेन कैटेगरी की बात करें तो बेटा, एक आपके पास है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक आपके पास है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सर हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, देखिए जरा। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में नंबर 1 में आपके पास है स्टैक, नंबर 2 आपके पास है क्यू, नंबर 3 आपके पास है एरे। तो ये तीनों ही आपके पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं। और अगर हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, तो सर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एक आपके पास है ग्राफ और सेकंड आपके पास है ट्री। ये दोनों ही आपके पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आज की क्लास में जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ज्यादा बात करेंगे, और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम नॉन लीनियर को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में बच्चों हम देखते हैं जरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, किसे कहा जाता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो बेटा देखें, अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है डेटा एलिमेंट्स अरेंज्ड इन सीक्वेंशियल मैनर एंड ईच मैनर एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट।
तो सर लीनियर का वर्ड ही हमारे पास जहां भी यूज किया जा रहा हो तो हमें समझना चाहिए सिक्वेंशियल फॉर्म की बात हो रही है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सर हमारे पास वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप डेटा एलिमेंट्स को सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज कर सकते हैं, मतलब सीक्वेंस में डेटा रखते हैं। और जब सीक्वेंस में डेटा अरेंज करते हैं बच्चों, तो आपके पास प्रीवियस और नेक्स्ट डेटा कनेक्टेड होता है। सही है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक डेटा है, ठीक है, आपके पास ये एक डेटा है और आपके पास ये एक डेटा है। अगर आप इस डेटा को निकालना चाहेंगे तो सर ये भी और ये भी इफेक्टिव हो सकता है। तो बच्चों हमने ये सीखा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास वो डेटा स्ट्रक्चर है जो आपके पास किसके लिए यूज किया जा रहा है सर, सीक्वेंस में डेटा को अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें, सच डेटा स्ट्रक्चर्स आर इजी टू इंप्लीमेंट एज कंप्यूटर मेमोरी इज ऑल्सो सिक्वेंशियल। हमारे पास कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो कंप्यूटर में मेमोरी को सीक्वेंस में ही स्टोर कराते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर लिस्ट, क्यू, स्टैक, एरे। ये सारे आपके पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास है स्टैक। सबसे पहला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है बेटा? स्टैक। स्टैक किस तरह काम करता है, आइए जरा देखें और समझें। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन। अगर हम स्टैक की बात कर रहे हैं बेटा, स्टैक हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है। अब वो पर्टिकुलर ऑर्डर कौन सा है जिस पे स्टैक जो है वो काम करता है, आइए जरा देखें। आइटम्स मे बी एडेड और रिमूव ओनली टॉप ऑफ द स्टैक। पहली बात यहाँ पे ये पता चल रही है कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में हमेशा कोई भी डेटा एलिमेंट जो है वो टॉप से ही ऐड होगा और टॉप से ही रिमूव होगा। पहली तो हमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये पता चल रही है। अब वो कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जिसकी बात आप पॉइंट नंबर वन पे कर रहे थे कि स्टैक जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है। देखें, द ऑर्डर मे बी लीफो यानी लेस्ट इन फर्स्ट आउट और फाइलो फर्स्ट इन लास्ट आउट। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब समझना चाहिए। देखें, इसका जो ऑर्डर है या तो लीफो है, लीफो का मतलब होता है लिस्ट इन फर्स्ट आउट, और फाइलो होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, लेकिन वो एग्जाम्पल हमारे पास सेकंड के बाद वाली स्लाइड में आएगी, तो आप देखिए जरा। द डेटा विच इज प्लेस फर्स्ट इज रिमूव लास्ट एंड विच इज प्लेस लास्ट इज रिमूव फर्स्ट। तो देखें, आपको कुछ चीजें तो समझ आने लग गई होंगी स्टूडेंट, कि जिस डेटा को आप पहले इंसर्ट करोगे वो डेटा बाद में रिमूव किया जाएगा, और जिस डेटा को आप बाद में इंसर्ट करोगे वो पहले रिमूव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँ। सपोज करें स्टूडेंट, अच्छा एक और देख लें पहले पॉइंट, वी कैन नॉट रिमूव डेटा आइटम फ्रॉम द बॉटम और मिडिल स्टैक में। ये बहुत ही खास चीज आपने याद रखनी है कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में कभी भी मिडिल या बॉटम से आप रिमूव डेटा को नहीं कर सकते, आपको टॉप ऑफ द स्टैक ही करना होगा डेटा ऐड और रिमूव। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, जो एग्जांपल आपको दिए है, स्टैक आर प्लेट्स दैट आर स्टैक इन द कैंटीन। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट हमारे पास कुछ प्लेट्स रखी हुई है कैंटीन में, कुछ प्लेट्स रखी हुई है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेट्स का सेट है। ठीक है, अब बच्चों मिसाल के तौर पे ये प्लेट नंबर वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, फाइव सिक्स सेवन। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट ये वाली प्लेट रखी गई, ये वाली नंबर वन, लेकिन सर इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, रिमूव होगा ये लास्ट में, रिमूव होगा ये लास्ट। लेकिन अगर आपने ये प्लेट नंबर सेवन जो है ये रखी तो एंड में है, लेकिन सर ये रिमूव होगी पहले। तो यही स्टैक में मैं आपको समझा रहा था स्टूडेंट्स कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है, और वो पर्टिकुलर ऑर्डर होता है लीफो एंड फाइलो यानी लिस्ट एंड फर्स्ट आउट।
सही है। और फर्स्ट एंड लास्ट आउट, मतलब आपने ये फर्स्ट आपने इंसर्ट करा, लेकिन इसका आउट जो होगा वो लास्ट होगा, और ये आपने रखा आखिर में, लेकिन ये रिमूव सबसे पहले होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास स्टैक डाटा स्ट्रक्चर था। इसमें दो ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से आइए जरा देखें। एक होता है आपके पास पुश और एक आपके पास होता है पॉप। पुश का मतलब होता है स्टूडेंट्स डेटा एलिमेंट को ऐड करना। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इन टू द स्टैक। ठीक है, तो पुश में हम डेटा एलिमेंट को ऐड करते हैं स्टैक में, वो भी टॉप ऑफ द स्टैक। इसी तरह अगर हम डेटा एलिमेंट को रिमूव करते हैं बच्चों, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, पॉप कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और डेटा स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है बच्चों, वो आपके पास है क्यू। क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी आपके पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ये भी एक स्पेशल एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है, और उस ऑर्डर को कहते हैं स्टूडेंट्स हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO। इट मींस दैट एलिमेंट इंसर्टेड फर्स्ट विल बी रिमूव फर्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई एलिमेंट पहले इंसर्ट करा है तो वो रिमूव भी पहले ही होगा। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं और हम इस पर मजीद बात करते हैं। क्योंकि हमारे पास एक एग्जांपल दी है स्टूडेंट, क्यू इज एनी क्यू ऑफ स्टूडेंट्स, एनी क्यू ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल और पीपल इन सिनेमा वेयर वन हु कम फर्स्ट गेट्स अ टिकट फर्स्ट। स्टूडेंट अगर हम मिसाल के तौर पे किसी क्यू की बात करें, किसी लाइन की बात करें, तो जो पहले लाइन में लगा होता है वो पहले ही रिमूव होता है। ठीक है, और एक और बात याद रखनी है, डिलीशन टेक प्लेस एट वन एंड कॉल्ड फ्रंट और हेड। इसमें डेटा डिलीट जो है स्टूडेंट वो फ्रंट एंड से होता है। ठीक है, और जबकि डेटा इंसर्ट जो है वो लास्ट से होता है, यानी जैसे हम रेयर और टेल भी कहते हैं। इसमें भी स्टूडेंट देखें दो चीजें, डेटा एलिमेंट ऐड करने को हम कहते हैं एन क्यू, डेटा एलिमेंट रिमूव करने के लिए हम क्या कहते हैं टी क्यू। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक लाइन है, ये आपके पास एक लाइन नजर आ रही होगी आपको, ये फ्रंट से डेटा डिलीट हो रहा है और एंड से डेटा ऐड किया जा रहा है, ये सपोज एक लाइन है आपके पास। इसी तरह एक और डेटा स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है जिसे हम कहते हैं एरे डेटा स्ट्रक्चर, जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एरे डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली, सबसे खासियत क्या है, विच होल्ड द लिस्ट ऑफ फाइनाइट डेटा एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। ये इसकी खास बात है कि एरे डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है, एरे डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं। सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स कौन से होते हैं बच्चों, डेटा टाइप बेसिकली अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इंट होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, करेक्टर होता है, डबल फ्लोट होता है, तो ये सारे बच्चों आपके पास डेटा टाइप्स कहलाती हैं। डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें उसकी डेटा टाइप्स को डिफाइन कराना होता है। ठीक है, तो एरे डेटा स्ट्रक्चर सेम डेटा टाइप के लिए यूज किया जाता है। ईच एलिमेंट्स ऑफ एरे इज रेफरेंस बाय सेट ऑफ इंडेक्स कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब ये किस तरफ बात हो रही है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये एक मेमोरी ब्लॉक है आपके पास, इस मेमोरी ब्लॉक में आप देख सकते हैं सेम डेटा टाइप का जो है वो डेटा स्टोर हुआ हुआ है, और यहाँ पे जो डेटा टाइप स्टोर की गई है स्टूडेंट्स वो आपके पास एक करेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई भी डेटा को एक्सेस करना है तो यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर मौजूद है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सारी चीजें बेसिकली इंडेक्स नंबर के जरिए ही हम एरे डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो एरे डेटा स्ट्रक्चर में दो काम की चीजें आपको समझ आ गई, एक एलिमेंट, ईच आइटम स्टोर्ड इन एन एरे इज कॉल्ड एन एलिमेंट, और एक होता है इंडेक्स नंबर, ईच लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे हैज न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड इंडेक्स। तो कोई भी डेटा जब हम एरे डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करवाते हैं तो उसको हम इंडेक्स नंबर के थ्रू ही स्टोर करवाते हैं। टॉपिक को कवर करने के बाद बच्चों हम अब जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को परफॉर्म करेंगे। तो एमसीक्यू नंबर वन लिखा हुआ है, डैश डेटा स्ट्रक्चर डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। इसमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर ऐसा है जो सिक्वेंशियल में डेटा एलिमेंट को स्टोर करता है, तो बेटा आप ऑब्वियस सी बात है वो आपके पास
लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एमसीक्यू नंबर टू, द एलिमेंट्स ऑफ अ डैश डेटा स्ट्रक्चर आर नॉट कनेक्टेड इन सीक्वेंस। कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली जो है वो सीक्वेंस में फॉलो नहीं करता, डेटा को स्टोर नहीं कराता? तो बेटा वो आपके पास क्या होगा, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आर नॉट कनेक्टेड सीक्वेंशियली। इसमें से कौन से ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स की टाइप मौजूद हैं जिसमें आप के एलिमेंट्स जो है वो सीक्वेंशियली कनेक्ट नहीं होते हैं? देखो एरे, स्टैक और क्यू ये तो लीनियर वाले ही हैं, तो ये तो आपके सीक्वेंस में ही होते हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कौन से सीक्वेंस से कनेक्ट नहीं होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सर, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर आपके पास ऐसा है जिसमें एलिमेंट सीक्वेंस से कनेक्ट नहीं होते हैं। इसी तरह व्हेन द डेटा इज पोजीशन स्टैक, इट मींस द डेटा इज डैश। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पुश का इस्तेमाल किया जाता है, किस पर्पस के लिए। तो बेटा पुश जो है वो डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि इसके अलावा अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए पॉप, तो पॉप जो है वो डेटा को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आपके पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मौजूद है सेक्शन बी में, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ स्केच डिफाइन पुश पॉप ओवरफ्लो एंड एन क्यू एंड डी क्यू। इन कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जो है वो आपने डिफाइन करनी है। डिफाइन द फॉलोइंग में आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें पुश का आपको ऑलरेडी पता है, टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इन टू द स्टैक, टू पॉप टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, ओवरफ्लो व्हेन वी कैन नॉट एड एन आइटम इन स्टैक, एन क्यू टू एड एन एलिमेंट इन टू क्यू, टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू। ये चीजें आप ऑलरेडी हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इधर एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ इंडेक्स इन एन एरे। हमें एरे में इंडेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखें, इंडेक्स मींस दैट द एरे एलिमेंट्स आर नंबर्ड स्टार्टिंग एट जीरो। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सेम टाइप इज एन इंपॉर्टेंट वन बिकॉज एरे आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी सेल। एवरी सेल मस्ट बी द सेम टाइप एंड देयरफॉर द सेम साइज। तो बच्चों स्टैक बेसिकली स्टैक नहीं बल्कि एरे स्टूडेंट आपके पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए। एक और डिफरेंस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में काउंट किया जाएगा कि क्यू एंड स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का डिफरेंस। तो बेटा क्यू में क्या होता है, देखो द ऑब्जेक्ट्स आर रिमूव्ड एंड इंसर्टेड फ्रॉम डिफरेंट टू डिफरेंट एंड्स, जबकि स्टैक में क्या होता है, द ऑब्जेक्ट्स आर रिमूव और इंसर्टेड एट द सेम एंड। ठीक है, इट फॉलोज द फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, इट फॉलोज द फर्स्ट एंड लास्ट आउट प्रिंसिपल, इट यूजेस टू पॉइंटर द फ्रंट एंड एंड द रियर, इट हैज ओनली वन पॉइंटर द टॉप। इसके मजीद भी आपके डिफरेंस हैं, लेकिन शॉर्ट डिफरेंस, अगर शॉर्ट में डिफरेंस आ रहा है तो आप तीन ही पॉइंट्स को फोकस करिएगा अपनी मर्जी के। क्यू यूजेस एन क्यू एंड डी क्यू एज टू ऑफ इट्स ऑपरेशन, स्टैक यूजेस पुश एंड पॉप एज टू ऑफ इट्स ऑपरेशन, it uses two end, front end, rear, insertion uses the rear end and the deletion uses the front end. जबकि stack में क्या होता है, insertion and deletion of elements take place from one end only, it is called the top of the stack. A queue data structure has three types, circular queue, priority queue and double ended queue. जबकि a stack data structure does not any type. अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें टॉपिक से रिलेटेड, तो आपके पास एग्जाम पे आ सकता है एक्सप्लेन डेटा स्ट्रक्चर आल्सो लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड आल्सो स्टाइल्स। तो बेटा डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखोगे आप, ये वही डेफिनेशन है जो हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में देखी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल डेफिनेशन है। इसके अलावा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की वही डेफिनेशन आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए अगर आए तो आपने ये पूरा नोट डाउन करना होगा, और अगर नॉन लीनियर के लिए आपके पास आ रहा है तो नॉन लीनियर का लेक्चर बेसिकली स्टूडेंट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, तो आपको ये चीज भी समझ आ जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।